हाँ 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 बिल्कुल सही बताने, उसकी भी दवा है, उसकी एक दवाई देता हूँ और वो दवा ऐसी है आपका क्रोध भी मिटा देगा। 10 दिन दवाई खानी है, कुछ नहीं। जब रोज मुरली सुनते हो सेंटर में आके सुनते बैठो, एक मुरली का शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा, तो वो कागज पर लिखकर जेब में रखते हो, जेब में रखते हैं ना, तो ये ज्ञान धन है। एक शब्द आज बाबा ने कहा, बाप टीचर और सदगुरु तीनों को याद करो, तीनों प्रकार के वर्षा मिलेगा। ये शब्द लिखो, बाप टीचर सदगुरु को याद करना है, ये लिख कर जेब में रख देना, बस हो गया। इसके बाद आप घर जाते हो, नाश्ता करते हो, दो हाथ दिया है, ये हाथ नाश्ता कर रहा है, ये हाथ खाली, अरे बाबा ने क्या कहा था, बाप टीचर सदगुरु को याद करना है, बस। ये खाना खिलाया आपने, ये हाथ से आत्मा को खिलाया, ये हाथ से शरीर को खिलाया, बस। दिन में खाना आता खाते हो ना, दिन में खाना खाते हैं ना, तो ये हाथ तो नहीं जाता है, यही हाथ, ये हाथ इधर गया, ये हाथ जेब में है। शिव बाबा आपने कहा था बाप टीचर सदगुरु को याद करो, ये खाना खिलाया जेब में रख दिया, बस। रात को खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, तो ये हाथ जाता है नहीं, रात को मुरली याद नहीं जेब में है, तो याद करो क्या, बाप टीचर को याद करो 3 दफा। इतना सहज तरीका है, याद आपको नहीं मुझे भी नहीं रहता है, तरीका है, और सदा नहीं, 10 दिन, फिर आदत बनेगी। एक शब्द मुरली सुनते हुए नोट करो, हाँ। दूसरा, इसी को क्रोध भी मिट जाएगा, तो फिर क्या करो, ये भाई जी मिल गया, भाई जी ओम शांति, आज सेंटर में गया था, बाबा ने बहुत अच्छी बात कह दी, पढ़ के जेब में है, पढ़ के बताओ, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। दिन में और किसी को सुनाओ, रात को और किसी को सुनाओ, दिन में 2-3 दफा, आज की याद नहीं जेब में है, पढ़ के बताना, 2-4 लोगों को सुनाओ, ऐसे 10 दिन करो, क्रोध आपको छोड़ के अपने आप चला जाएगा। दवाई नहीं, कुछ नहीं चाहिए, यही दवा और ये दुआ, बस। यस, एक शब्द लिखना, 10, कुछ जो आपको अच्छा लगा, हाँ। तो भगवान ऐसी दुआ देता है जो सदा के लिए पावन बन जाएंगे, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं। तब कहते भगवान ऐसी बीमारी मिटाओ, ऐसे दुख दर्द को दूर कर, हो जाए सदा के लिए, अविनाशी है वो, विनाश नहीं होता है भगवान का, वो दवाई भी अविनाशी देता है। इसमें कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो बताओ।